भारत चीन मामला एक ऐसा मुद्दा है जिसे समझने के लिए हमें इसके इतिहास की परतों को खंगालना पड़ेगा। आज बहुत से देशों ने चीन से दूरी बना ली है और उसका कारण है चीन का स्वभाव। इसी स्वभाव की वजह से भारत और चीन के बीच के रिश्ते में भरोसे की कमी आने लगी। भारत ने चीन को कई मौके दिए लेकिन हर बार चीन ने धोखेबाजी का ही परिचय दिया। मैं वंशिका सक्सेना और आज हम बात करने वाले हैं भारत चीन के इतिहास से जुड़ी कुछ अहम कड़ियों के बारे में। 1962 से शुरू हुए युद्ध से लेकर 2020 में हुए हिंसक टकराव तक दोनों देशों के बीच बहुत कुछ हुआ। 1962 में जब भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं था, उस समय भी भारतीय सैनिकों ने चीन के साथ आखिरी सांस तक मुकाबला किया था। हालांकि इस युद्ध में चीन ने बाजी जरूर मारी थी, लेकिन भारतीय सेना के बहादुर जवानों की वजह से चीनी सेना के इस युद्ध में पसीने छूट गए थे। 1967, भारत ने 5 साल जुटकर खुद को और मजबूत किया और चीन से अपनी शिकस्त का बदला लिया। 1967 में नाथुला पास में हुई भारत चीन की लड़ाई आज भी चीन के लिए अच्छा सबक समझा जाता है। इस युद्ध में चीन की घुसपैठ और नाक घुसाने की आदत को न केवल चेतावनी मिली बल्कि भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को अपनी मिट्टी से पीछे धक्के मारकर निकाल दिया। 1975, अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल्स के जवानों पर चीनी सेना ने हमला कर दिया। इस हमले में भारत के 4 जवान शहीद हुए। भारत सरकार की तरफ से दावा किया गया कि चीन ने LAC क्रॉस कर अटैक किया। अड़ियल चीन ने इस दावे को नकार दिया और कहा कि भारत ने LAC क्रॉस कर हमला किया और चीन ने जवाबी कार्रवाई की। 1987 में भी चीन ने घुसपैठ कर समदोरांग चू के भारतीय इलाके में अपने तंबू गाड़ दिए। इस दौरान भारत ने फाल्कन नाम का एक ऑपरेशन जारी किया और जवानों को ऐसे इलाकों में तैनात किया गया जहां से चीनी सेना पर हर मूवमेंट पर नजर बनाई जा सके। इसके बाद बिना हिंसा के दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और मामला ठंडा पड़ गया। 2020, आपको भी चीन के लड़ाकू स्वभाव के बारे में पता चल गया होगा। 2020 में चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया, लेकिन चीन की यह हरकत इस बार उसे काफी महंगी पड़ी। भारत ने न केवल चीन को सीमा पर घेरा बल्कि देश के साथ व्यापार बंद करके अच्छा सबक सिखा दिया। आर्थिक चोट और भारत को दूसरे देशों से मिला साथ, दोनों ने चीन की अकल ठिकाने लगा दी। भारत चीन के बीच विवाद बढ़ने का कारण चीन का फर्जी बर्ताव है। ये सभी घटनाएं भारत को ठोस वजह देती हैं कि चीन पर भरोसा न किया जाए और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। भारत के अपने फैसले पर टिके रहने की वजह से ही इस साल चीनी सेना को हार माननी पड़ी और सीमा से पीछे हटना पड़ा। हर बार की तरह इस बार भी भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं Zee News।